गुडफेलास के स्टार रे लियोटा का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर से हॉलीवुड स्टार्स ही नहीं बल्कि उनके फैंस भी शॉक्ड हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डोमिनिकन गणराज्य में उन्होंने आखिरी सांस ली। रे लियोटा ने फिल्म गुडफेलास में डकैत हेनरी हिल की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्होंने काफ़ी नेम और फेम कमाई। इसके साथ वह फील्ड ऑफ ड्रीम्स के लिए भी जाने जाते हैं। रे लियोटा, उनके आकस्मिक निधन पर कई सितारों ने दुख जताया है और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। रे लियोटा के निधन डोमिनिकन गणराज्य में हुआ। उनके सहयोगी जेनिफर एलन ने कहा कि लियोटा डेंजरस वाटर्स फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, इस दौरान नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मौत कैसे हुई अभी इन कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। जोश ब्रोलिन ने इंस्टाग्राम पर एक्टर की एक तस्वीर साझा की और लिखा, मेरे दोस्त इतनी जल्दी कैसे और क्यों, तुम्हारी याद आएगी, मैं तुमको गोल्स में अक्सर देखने के बारे में सोचूंगा। आगे क्या करना है इस बारे में बात करना कि एक साथ कैसे खोजना है, कुछ तो खोजना है। काम हमेशा इतना अच्छा और हमेशा बाकी लोगों से अलग। हाँ, मुझे तुम्हारी याद आएगी दोस्त, जब तक हम दोबारा ना मिलें। उनके साथ आइडेंटिटी और कॉपलैंड में काम करने वाले डायरेक्टर जेम्स मैंगोल्ड ने भी उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया, रे लियोटा के निधन के बारे में सुनकर हैरान और बहुत दुखी हूँ। बाहरी रूप से सख्त आदमी और अपने सिग्नेचर किरदारों की गहरी भावनाओं से परे, वह एक मधुर, चंचल और भावुक सहयोगी और शानदार एक्टर थे। आरआईपी। रे लियोटा का नाम साल 1988 के फिल्म डोमिनिक और यूजन के लिए गोल्ड ग्लोबन नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल था। पिछले साल उन्होंने सोप्रानोस की प्रीक्वल फिल्म द मैनी सेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क में अभिनय किया था। इसके अलावा मैरिज स्टोरी और नो सडन मूव भी शामिल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।